जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। दादाजी की व्यवहार ज्ञान की बातों में पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, उसमें पति और पत्नी एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे व्यवहार करें ताकि गृह संसार भी अच्छा हो जाए, बच्चों को भी संस्कार मिले और हमारा जीवन बिना क्लेश मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। एक बात तो ज़रूर है, पति या पत्नी दोनों जब शादी होके आते हैं बराबर अपोजिट प्रकृति वाले मिलते हैं। किसी का गुनाह नहीं है, पर प्रकृति अलग प्रकार की, एक हाइपर होएगा एक स्लो होएगा। एक को गर्मी अच्छी लगती है, दूसरे को ठंडी अच्छी लगती है। एक को फास्ट फास्ट काम करना चाहिए, एक को स्लो करना चाहिए। शांति से करते हैं, गर्म दिमाग का होगा एक ठंडा दिमाग का, एक मनमानी करते रहेगा दूसरा कुछ बोल नहीं सकेगा। एक दूसरे के साथ अलग अलग प्रकृति होने के वजह से एडजस्टमेंट बहुत आवश्यक है। मिलजुल के यानी एक दूसरे की गलती नहीं निकालोगे तो दोनों का व्यवहार एक दूसरे के साथ पूरक होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके, एडजस्टमेंट हो सके। दादाजी खुद बताते थे कि मेरी प्रकृति इतनी फास्ट और उनकी धर्मपत्नी हिराबा उसलो, तो हम 65 इयर्स शादी हुई तब से 65 इयर्स, और बताते थे जब कि इतने 65 साल हो गए, मैं सारी जिंदगी मैं खुद ही एडजस्टमेंट लेते रहा, मुझे शांति चाहिए थी, मुझे क्लेश बिना का जीवन चाहिए था, और मैं ज़्यादा समझदार हूँ तो मुझे ज़्यादा एडजस्टमेंट लेना चाहिए। प्रकृति है हमारी फास्ट प्रकृति है, तो हम 10 काम फटाफट करेंगे, वो 2 काम करेंगे, तो हम आठ करना उनको 2 देने का, तो दोनों मिलके 10 काम तो पूरा हुआ। अगर वैसे समझते नहीं, मैं 5 किया तो तू भी 5 कर, नहीं हो पाएगा। प्रकृति का डिफरेंस है और प्रकृति का एडजस्टमेंट अलग अलग होना चाहिए। दोनों सरीखा इक्वल काम नहीं भी कर सकते, एक कमाता है दूसरा घर चलाएगा, बच्चे हैं तो छोटे वहाँ तक मदर का रोल है, माँ को संस्कार देना है, बड़े होंगे तो बाप की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो ये एडजस्टमेंट है। मदर का यानी वाइफ का डिपार्टमेंट है किचन, बच्चों, घर, पति का डिपार्टमेंट है पैसों, व्यवहार, व्यापार, तो दोनों एडजस्टमेंट लेना है। एक दूसरे के साथ अनुकूल हो के एक दूसरे की प्रकृति को, खुद की प्रकृति सामने वाले को अनुकूल करके एडजस्टमेंट लेना है। हम एक दूसरे की गलती निकालते रहेंगे तो फिर क्लेश कलुषित जीवन हो जाएगा। हमेशा हमारे तरफ से हम अपेक्षा रखते हैं उन्होंने एडजस्टमेंट लेना चाहिए। मैं कितनी बार बताया ये क्यों नहीं सुधरते, नहीं सुधरेंगे, हमें सुधरना है। हम एडजस्टमेंट लेंगे तो हमारा एडजस्टमेंट लेने से हमारा ही क्रोध है, मोह है, मान है, लोभ है, अपेक्षा है, सब टूटते जाएगा, हमारे ही दोष खत्म होंगे। और हम एडजस्टमेंट लेके, एडजस्टमेंट कौन सा प्रकार का लेना है, सामने वाले को दुख न हो जाए, उसको दोषित न देखे, कोई आक्षेप न करे, जो भी है प्रकृति का भरा हुआ माल है, शुद्धात्मा भीतर है और प्रकृति है, तो प्रकृति को हम गुनहगार देखते हैं पहुंच जाता है शुद्धात्मा को, और भीतर में उनको दुख पहुंच जाता है व्यक्ति को।
हमें ये जागृति रखनी है उसको व्यक्ति को दुख न पहुँचे, जैसे भी प्रकृति है उसको हम खुद एडजस्ट हो जाए। ऐसे तो दिन में कितनी बार एडजस्टमेंट लेते ही है, ये धूप है, दरवाज़ा कोई स्टॉपर ऐसी रहती है, कोई ऐसी रहती है, हम एडजस्ट होते ही है। खाना पीना कितने सारे एडजस्टमेंट हम लेते हैं। तो जीवंत व्यक्ति के साथ हस्बैंड ने वाइफ के साथ एडजस्टमेंट लेना है, वाइफ को हस्बैंड के साथ लेना है, एक दूसरे की गलती निकालेंगे तो फिर सब शक्ति टूट जाती है, नेगेटिविटी में शक्ति टूट जाएगी और व्यवहार तो डिरेलमेंट हो गया, टूट गया सब। बाद में बस मैं क्या चली जाऊंगी, मुझे ये सही है नहीं, नया घर बनाओ, इस सास के साथ बनता नहीं है, रोज़ रोज़ एक दूसरे के दोस्त दिख के दुखी होते रहते हैं। प्रकृति अलग रहेगी, एक गुलाब का फूल जैसी प्रकृति है तो उसको काटे रहेंगे, एक चंपा जैसी है तो अलग प्रकृति, तो एक दूसरे के गुल गलतियाँ निकालने के बदले इनकी कौन सी प्रकृति है स्टडी करिए और डिसाइड करना है कि नहीं मुझे एडजस्ट होना है। धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट लेते जाएंगे, उनको दुख न हो जाए ऐसा। दादाजी बताते हैं कि मेरे तरफ से हमेशा एडजस्टमेंट लेते ही गया, लास्ट में हुआ क्या तो भीतर वाले भगवान, वाइफ के भीतर वाले भगवान राजी हुए, हमारे ऊपर कृपा उतरी, हमें ज्ञान की ऊंची दशा तक पहुंचने का आशीर्वाद मिला और वाइफ के तरफ से कोई क्लेम न रहा, राग द्वेष अपेक्षा मोह मुक्त हुए खुद। तो ये हमारे एडजस्टमेंट लेने से हमें कोई नुकसान तो होता ही नहीं, थोड़ा स्टडी करेंगे प्रकृति क्या है, कैसी है, कैसे क्या उनको चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सी बात में दुख लग जाता है, कौन सी बात से खुशी लगती है, ये सूक्ष्मता से स्टडी करते जाएंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने का रास्ता अपने आप ही आ जाएगा। किचन में बहन लोग लेते छुरी से ये काम करने का, चमची से ये काम करने का, तवेधा से ये काम करने का, पकड़ से ये काम करने का, कितने सारे साधन हैं, एक ही चूल्हा के साथ जो रसोई पकाते हैं तो कितने साधन एडजस्टमेंट बदलते ही रहते हैं। तो यहाँ भी वही जीवंत व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट लेना है। छोटा बच्चा रहता है तो माँ सब प्रकार के एडजस्टमेंट लेती है, ये भूखा है इसके लिए रो रहा है, अभी नींद आती है इसके लिए रो रहा है, इसको कुछ दर्द है इसके लिए रो रहा है, इसको गर्मी लगती है इसके लिए रो रहा है। तो बच्चे सिर्फ रोएगा तो माँ समझ जाती है क्या क्या प्रॉब्लम है, और हस्बैंड वाइफ में क्यों इतना ये करते हो, क्यों इतना ये करते हो, एक दूसरे की गलतियाँ निकालते हो। तो सचमुच कुछ नहीं, सुबह देखा बहन जी बोलती थी पापा डांटते हैं, पर हमें आर्ग्यूमेंट करते हैं बाद में डांटते हैं, तो हमारे तरफ से भी कुछ दखल है। ऐसे ही हस्बैंड गुस्सा से बात करते रहेगा नहीं, उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे चाय नाश्ता ज़रा जल्दी रखना, मुझे जल्दी जाना होता है या मुझे ज़रूरत है जल्दी, तो 7 के बदले 7:15 7:30 बजे ही रोज़ चाय मिलेगी। और वो गुस्सा करे, देखो कितना गुस्सा करता है, चाय तो दिया ना पर तुझे बताया था 7 बजे चाहिए, तो थोड़ा एडजस्टमेंट वाइफ लिया तो हस्बैंड को भी शांति, 7 के बदले 7 में 5 मिनट कम है तभी चाय नाश्ता रेडी कर दो। छोटी छोटी बात में एक दूसरे को दुख देते हैं और हमेशा अपेक्षा रखते हैं मेरी मनमानी होनी चाहिए, मैंने कहा ऐसा मुझे क्यों नहीं किया, मैं भी देख लूँगी, मैं बदला लेते हैं, वैर से एक दूसरे को दुख दे देते हैं। और 10 बार हमें एडजस्टमेंट लेना पड़ा तो भी क्या हरकत है, क्योंकि हमें छूटना है, ये कर्मों के हिसाब से हस्बैंड हुए, कर्मों के हिसाब से वाइफ हुए, कर्म का हिसाब पूरा होगा दोनों छुटा हो जाएंगे, कर्मों के हिसाब से बेटे आए बेटियाँ आई माँ बाप आए सास ससुर आए, हिसाब वाला जगत है, हिसाब पूरा करने के लिए जगत है, घर यानी मजाक करो मेरी मनमानी होनी चाहिए, मुझे कोई दुख न दे सके, मुझे कोई आक्षेप न करे, मैं जैसे भी चाहूँ ऐसे सुखी रह सकूँ, मगर ये हमारा मोह है। सचमुच तो हमें समझना चाहिए कि कर्म खत्म करने के लिए हम आए हैं इस संसार में, और
कर्म, एक कर्म खत्म करने के बदले दूसरे नए 10 कर्म बांध के जाते हैं, और बुरे कर्म बांधे तो वापस बुरे संबंध राग द्वेष के हिसाब वाले आएंगे, वापस एक दूसरे को दुख देंगे और बुरे कर्म बांधेंगे, धीरे धीरे अधोगति भटकना ही पड़ेगा। तो हमें समझना चाहिए कि एक कर्म बुरा बांधेगा मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे सामने वाला कैसे भी बुरा एडजस्ट बुरा व्यवहार करे, मैं अच्छा व्यवहार करते रहूँगा तो मेरे कर्म नहीं बिगड़ेंगे, मेरे कर्म छूटते हैं, मेरी प्रगति होती है। यानी आध्यात्मिक दृष्टि देखें, व्यवहारिक दृष्टि देखें, एक दूसरे को दुख देने से, एक दूसरे के दोष देखने से कर्म बढ़ते ही है, और सामने वाले का सुख का विचार किया कि नहीं उनको किस प्रकार सुख होगा, किस प्रकार वो राजी होते हैं, किस प्रकार उनको खुशी लगती है, वो एडजस्टमेंट खुद करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, सामने वाला भी हमारे लिए सोचेगा इनको क्या अच्छा लगता है, कैसे उनको अच्छा लगे वो व्यवहार हम करें। पर हमारी अपेक्षा है आप सुधरो, मुझे सुखी करो, मुझे सुख नहीं देंगे तो आपको मैं दुख देंगे। अरे फिर हमारे तरफ से उनको दुख पहुंचा तो उनके तरफ से दुख रिएक्शन में आएगा ही आएगा। कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई बेटे बेटियां, माँ बाप दुख झेलने के लिए नहीं आए हैं, कोई दुखी होने के लिए, हमारे तरफ से कोई दुखी होने के इच्छा अपेक्षा नहीं रखता। दुख हुआ, अध्यात्म दृष्टि तो क्या बताती है, हमारे से किसी को दुख हुआ, सूक्ष्म में द्वेष भाव हो जाता है, वैर भाव हो जाता है, दूसरे अवतार में अनेक गुना एक दूसरे को वापस दुख देंगे, और मेरे तरफ से सामने वाले को दुख हुआ तो मेरा भी मोक्ष नहीं हो जाएगा, सामने वाले का भी मोक्ष नहीं हो सकता। हमारे तरफ से किसी को दुख नहीं, हमें छूटना है तो यही जागृति रखनी है कि कैसे एडजस्टमेंट ले ताकि सामने वाले को अनुकूल लगे, दुख न हो जाए, कोई भी प्रकार का आक्षेप न हो जाए। हम अपेक्षा रखते हैं कि इसने मेरा इतना करना चाहिए तो सामने वाला भी हमारे पर अपेक्षा रखेगा, मेरा इतना होना ही चाहिए, तो उनकी अपेक्षा हम पूरी नहीं कर पाते और हमारी अपेक्षा पूर्णी के लिए झगड़ा कर देते हैं। सचमुच तो हमारी अपेक्षा जीरो कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि क्या बताती है कि हमारा जीवन का हिसाब, कितना सुख भुगतना, कितना दुख भुगतना, कितनी फैसिलिटी अनुकूलता आएगी, कितनी प्रतिकूलता आएगी, एक जिंदगी का हिसाब हम लेके ही आए हैं, तो फिर हम क्यों अपेक्षा रखें उसने मुझे इतना करके देना ही चाहिए। मेरी अपेक्षा मैं छोड़ दूँ, उनकी अपेक्षा मैं पूरी करते रहो तो मेरी मुक्ति जल्दी होगी। तो एडजस्टमेंट ये कर, आध्यात्मिक दृष्टि समझ में रखे तो फिर एक दूसरे के साथ एडजस्ट में लेने में कोई हरकत नहीं आएगी। दादाजी तो बताते थे कि मुझे तो इस संसार में पहले से ही एक ही ध्येय था मेरा, मुझे मिला उसको सुख चाहिए, सुख मेरे तरफ से होना ही चाहिए, और दूसरा मुझे किसी के पास से कुछ नहीं चाहिए, नो अपेक्षा, नो एक्सपेक्टेशंस। सचमुच तो इस संसार में मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, उतना ज़बरदस्त उसका निश्चय था कि मेरा एक जिंदगी का हिसाब मैं लेके आया हूँ तो मुझे किसी का कुछ चाहिए, हाँ जो मिले हैं उसको मेरे तरफ से सुख देगा। तो हम भी इतना ही तय करें कि नहीं, वाइफ को मेरे तरफ से दुख न हो जाए, उससे ऐसा ही मुझे एडजस्टमेंट लेना है। वाइफ भी निश्चय करे कि मेरे तरफ से उनको दुख न हो जाए, ऐसे मुझे जीवन जाए। दादाजी का तो आगे का नियम निश्चय था, सुख मिलना चाहिए मेरे तरफ से, हम सुख नहीं दे पाएंगे तो कुछ नहीं, दुख तो न दे जाए। इतना भी करे तो भी धीरे धीरे एक साल, दो साल, पाँच साल में जीवन ऐसा हो जाएगा, घर में क्लेश चले जाएगा, दुख बिना अच्छा जीवन जी सकेंगे। ये अलग अलग प्रकृति है, हम गलतियाँ निकालनी नहीं है, मगर एडजस्टमेंट लेना है कि इनकी प्रकृति को ये पसंद है, हम सुधार लेंगे, टकराव डालेंगे, एडजस्ट एवरी हो जाएंगे। ज्ञान की दृष्टि, दादाजी का ज्ञान है, आज्ञा है, वो तो इतनी ज़बरदस्त जागृति देते हैं कि प्रकृति के दोष के बदले निर्दोष देखना हो जाता है, पॉजिटिव दिखना चालू होता है, और एडजस्टमेंट लेने में आसानी से ले सकते हैं। एक निश्चय करना चाहिए कि मुझे
हमें जिसको ज़्यादा समझ है, जो ज़्यादा जागृति है, ज़्यादा प्रकाश है, उसको ही एडजस्टमेंट ज़्यादा लेने हैं। हम सामने वाले को बोलते हैं ये समझती नहीं है, ये समझता नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम ज़्यादा समझदार हैं, और हम ज़्यादा समझदार हैं तो हमारे पास प्रकाश ज़्यादा है, उनके पास प्रकाश कम है, तो हमें एडजस्टमेंट ज़्यादा देना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समझ है। तो अपेक्षा रखते हैं कि उन्होंने सामने वाले ने हमें एडजस्ट होना है, और उनको मानते हैं कि आपको समझदारी नहीं है। यानी दोषित देखने से ही, नेगेटिविटी से ही टकराव बढ़ जाते हैं, क्लेश बढ़ते रहता है, और कॉम्प्लिकेशन इतने हो जाते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे सॉल्यूशन लाए, समझ में ही नहीं आ जाएगा। और बाद में हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, और बाद में बच्चों में संस्कार की अपेक्षा रखे, वो भी नहीं होएगा। ये बच्चा भी माँ बाप का देख के मैं भी बड़ा होऊंगा, मैं भी ऐसा ही करूँगा। बच्चा तो देखता ही है कि मम्मी पापा को दुख देती है, तो सोचेगा मेरे पापा अच्छे हैं, मम्मी बुरी है, मम्मी को सीधा करूँगा बड़ा होके। या तो पापा मम्मी को दुख देते हैं, वो देखेगा पापा बराबर नहीं है, मम्मी बराबर, पापा को मैं सीधा करूँगा। देखो हम ही बच्चे को संस्कार बिगाड़ते हैं। तो माँ बाप की एक दूसरे में भी दुख नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे से व्यवहार ऐसा संस्कारी होना चाहिए ताकि बच्चे में भी अच्छे संस्कार उत्पन्न हो जाए, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और एडजस्टमेंट लेते 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 हमें निरीक्षण करना चाहिए कि हमारी प्रकृति में क्या डिफेक्ट है, क्रोध है, मोह है, मान है, लोभ है, हम क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते सामने वाले को, क्या गलतियाँ लगती है सामने वाले को, हमारी गलतियाँ सुधारो, हमारे क्रोध मान मोह लोभ कम होते जाएंगे तो एडजस्टमेंट लेने में कोई हरकत आएगी ही नहीं। जिसको सुखी होना है उसको 10 बार ज़्यादा एडजस्टमेंट ले लेगा, हमने 10 बार लिया, वो क्यों नहीं लेते, वो अपेक्षा नहीं रखने की, हम लेते ही जाएंगे क्योंकि हमें सुखी होना है। और एक वर्तमान में ही रह के एक बार लिया, हर बार मुझे ही लेना है, तो नहीं हर बार नहीं, सारी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। ऐसे तो 25 जगह एडजस्टमेंट लेते हैं, ऑफिस में लेते हैं, ट्रेन, बस, एयरपोर्ट, सब जगह जो भी कार्य व्यवहार में करते हैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट लेते ही रहते हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। यहाँ अहंकार आ जाता है, मैं पति हूँ, पजेसिवनेस आ जाता है, वाइफ को भी पजेसिवनेस है, मेरा हक का पति है, क्यों मेरा कहा ना करें, और वही पजेसिवनेस अपेक्षा टकराव का कारण हो जाता है। यहाँ भी समझना चाहिए कि वो भी जीवन है, उनको भी दुख होता है, उनका भी मन है, उनको भी संतोष चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। हमारे लेवल से भी हम देखें कि मेरे साथ क्रोध करे तो मुझे पसंद नहीं, तो मैं भी क्रोध से नहीं बात करनी चाहिए, तो भी जागृति बोली जाती है, मानवता बोली जाती है, कि मेरे हार्टिली स्वभाव बोला जाएगा, मेरी तरफ से उनको दुख हुआ तो मुझे भी दुख होगा, अरे ऐसा दुख मैं नहीं देना चाहिए, तो हार्ट है तो फिर वापस आ जाएगा, नहीं दुख वाला व्यवहार नहीं करना है। और क्या मेरा सुख के लिए मुझे सब चाहिए, सामने वाला दुखी हो जाए, सुखी हो जाए, मरने दो, उसकी कुछ मुझे लेना देना नहीं, वो बुद्धि वाला व्यवहार है, स्वार्थ बुद्धि, मेरे सुख के लिए जीना है, दूसरा सब मुझे सुख के लिए रहो, मैं दूसरे के सुख के लिए कुछ करूँ या ना भी करूँ तुमको बर्दाश्त करना ही चाहिए, ये एटीट्यूड हो गया। आजकल इतनी स्वार्थ बुद्धि हो जाती है कि सामने वाले का सोचते ही नहीं, हमारा ही सुख का सोचते हैं, और हमेशा खुद का ही सोचते रहेंगे तो दुख बढ़ते ही जाएंगे। सामने वाले के सुख के लिए जितना भी किया वो हमारे ही सुख के लिए होता है, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है। दूसरे को सुख दिया तो सुख होके ही रहेगा, दुख दिया तो दुख होके रहेगा, दुख आते ही रहेगा। जब दुख आता है तब सामने वाले की गलतियाँ निकालते गए, इसका स्वभाव ऐसा है, उसको माँ बाप ऐसे, वाइफ की माँ उसके ऐसे चढ़ाती है, ऐसे कराती है, ऐसा कोई निमित्त का दोष नहीं है, हमारा हिसाब है, हमें दोषी देखना नहीं है, तो ही हम धीरे धीरे कर्मों का हिसाब पूरा करते करते जीवन में भी शांति पाएंगे और कर्मों से भी छूटेंगे।
दादाजी की आध्यात्मिक दृष्टि आज्ञा समझे तो फाइल है, हिसाब पूरा करना है, समता भाव से कर्म पूरा करना है, बुरा व्यवहार करे तो भी प्रेम वाला व्यवहार रखना है, अच्छा व्यवहार करे सामने वाला तो भी प्रेम वाला व्यवहार करना है। संभाव यानि उसके बुराई पर हमें बुराई नहीं करनी है, उसकी अच्छाई पर हमें राग नहीं करना, उसकी बुराई पर द्वेष नहीं करना, संभाव रख के फाइल पूरी करनी, छूटना है। एक एक फाइल लक्ष्मी रखेंगे नहीं, ये फाइल है, पति फाइल है, पत्नी फाइल है, बच्चे फाइल है, संभाव से निकाल करना है। और इच्छा न होते हुए भी दुख हो गया सामने वाले को तो प्रतिक्रमण चालू करो। और आज तक ज्ञान नहीं था, कितने प्रकार के दोष देखे होंगे, एक दूसरे को दुख दिया होगा, तो एक एक तो उसके प्रतिक्रमण करते जाओगे। प्रतिक्रमण का तो ऐसा अनुभव है हजारों फैमिली में, एक एक फैमिली में एक एक दोषों के प्रतिक्रमण करते 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 2 साल 4 साल में जीवन बहुत अच्छा हो गया, क्लेश बिना का हो गया, घर में भी राग द्वेष नहीं, शांति से जीवन, मोक्ष मार्ग में मोक्ष के साथ ही जैसा जीवन हो गया। दोनों एक दूसरे के सुख के लिए और ज्ञान में प्रगति बढ़े ऐसी जागृति रखने लगे। दुख तो देने की बात ही छूट गई, मुझे ही एडजस्टमेंट लेना है, सामने वाले को दुख न हो जाए ऐसा व्यवहार करना है। धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रगति हो जाती है। तो ये 5 आज्ञा है, प्रतिक्रमण है और सामने वाले के साथ एडजस्टमेंट लेके सॉल्यूशन लाना है, उनकी प्रकृति समझ के। तो फिर हमें सूझ भी बढ़ते जाएगी, समझ एडजस्टमेंट लेने की बढ़ते जाएगी और जीवन भी हमारा ज्ञान वाला रह के टकराव छूटते जाएंगे, मोक्ष मार्ग में प्रगति कर सकेंगे। धीरे धीरे ये निश्चय करना है कि छूटना है एडजस्टमेंट लेके।